जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। आज आपको एक अद्भुत मंत्र बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं। अपने नातेदार रिश्तेदार में यह वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि जन्म जन्म की गरीबी दूर होने वाली है आपकी। बस आप केवल 4 मिनट 6 सेकंड के इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, आपकी वास्तव में पुरानी से पुरानी कितनी समस्या क्यों ना हो, कितने दिनों से आप परेशान क्यों ना हो, सब कुछ चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए नहा धोकर तैयार हो जाइए वीडियो बताए गए विधान को करने के लिए। तो इससे पहले एक सूचना, अगर आप साधना शिविर में आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप उस पर संपर्क करके आप साधना शिविर में आ सकते हैं, जहाँ विशेष प्रकार की साधना सिखाई जाएंगी। चलिए अब मूल बिंदु पर आते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए। अगर आप पैसे के लिए परेशान हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आज जो उपाय बताने वाला हूँ, जो विधान बताने वाला हूँ, इस विधान को फॉलो करना होगा। सबसे पहले कुछ सामग्री है, आवश्यक सामग्री वह खरीद लीजिए, जैसे तिल का तेल, माचिस, मिट्टी का एक दिया और पुष्प में गुलाब का फूल, अक्षत, हल्दी, चावल, एक थाली, लाल वस्त्र, लाल आसन, रुद्राक्ष की एक माला और पहनने के लिए लाल कपड़ा, यह सारी चीज़ें आप खरीद लीजिए। एकांत कमरे का चयन कर लीजिए, कमरे की साफ़ सफाई कर लीजिए, वहाँ पर ग्वार पाठे पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, अपना लाल वस्त्र पहन लीजिए, आसन बिछा लीजिए। रात्रि 10 बजे यह क्रिया आपको करनी है, रात के जब 10 बजे सब लोग सो जाएं तब आप करना है। ध्यान रहे परहेज में आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपको बैठ करके यह मंत्र को जपना है, जिस मंत्र को मैं यहाँ बताने वाला हूँ। आप बैठ जाइए, भगवान कृष्ण का ध्यान कर लीजिए, कृष्ण वंदे जगत गुरु, गणेश भगवान का ध्यान कर लीजिए, अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर, तस्मय श्री गुरुवे नमः, गुरु का ध्यान करके पवित्रीकरण करके संकल्प ले लीजिएगा छत्र लेकर के, कि मैं अमुक व्यक्ति अमुक गोत्र का आज से इतने दिन पर्यंत, जितने दिन आप कर सकें उतने दिन का संकल्प लीजिए, इस मंत्र का, मंत्र जो बताऊँगा लिख कर रख लीजिएगा, जो है साधना करूँगा, इस प्रकार लिखकर रख करके संकल्प लीजिएगा। फिर गणेश की इकमाला ओम गम गणपते नमः, गुरु की इकमाला ओम गुरुवे नमः, इष्ट की इकमाला जो आपके इष्ट हो ओम नमः शिवाय कर लीजिए या ओम विष्णुवे नमः कर लीजिए। फिर जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 51 माला करना है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम मम ग्रहे अकस्मात धन देही देही ह्रीम श्रीम ओम नमः स्वाहा, इस प्रकार है। अगर मंत्र आपको अच्छा से याद नहीं हो रहा है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया जाएगा उस नंबर पर आप संपर्क करके इस मंत्र को हमसे पूर्णतः दीक्षित होकर के साधना शुरू कर सकते हैं। साधना आपको 10 दिन करनी है, 50,000 का पुरुषण हो जाएगा। 51 माला करोगे या 54 माला करोगे तो इसके बाद 108 मंत्र का हवन करना है। हवन की प्रक्रिया सामान्य रहेगी, आम की लकड़ी में तिल, जौ, गुण, घी, चावल और उसमें जो है पंचमेवा से मिश्रित करके अग्नि का आवाहन दे करके कपूर जला करके आप 108 आहुति आप देंगे। इसके बाद आपका ये मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, सुबह स्नान ध्यान करके 11 माला जप करके अपने कार्य पर चले जाना है। तत्पश्चात कुछ दिन के बाद आप देखोगे जो भी आपकी परेशानियां हैं उन परेशानियों को जल्द से जल्द गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द संपन्न हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त कुछ आप साधना करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क